हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे देखते हैं और इसका डायरेक्शन के बारे में और इसमें मटेरियल के नाम के बारे में मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो रिड्यूसर लगा हुआ है, जैसे आप ये फुटेज में आप देख रहे हैं। और ये रिड्यूसर जो है ईसेंट्रिक रिड्यूसर है, उसको आप कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 16x10 यानी कि 16 इंच × 10 इंच, और उसका यहाँ पे लिखा हुआ है 67 mm ऑफसेट। अगर ये ऑफसेट लिख दिया तो ये समझिए कि ये ईसेंट्रिक है। अगर इसमें ये ऑफसेट नहीं लिख रहा है तो समझिए ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर लगा हुआ है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 67 mm ऑफसेट लिखा हुआ है और फ्लैट साइड जो है डाउन में रहेगा, जो इसका जैसे आप ये फुटेज में देख रहे हैं जो एक तरफ जो बराबर रहता है वो डाउन साइड में रहेगा, और जो स्लोप जो रहता है डाउन जैसा रहता है एक तरफ जैसे आप ये देख रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ रहेगा। इसमें सेंटर लाइन मार के जो एक तरफ फ्लैट रहता है उसको नीचे की तरफ रखना है डाउन साइड में। इसके बाद यहाँ पे एक टी लग रहा है, जैसे आप ये फुटेज में देख रहे हैं ये पाइप का टी है रेडीमेड, और उसका टी का जो साइज रहेगा 16 इंच × 16 इंच रहेगा, 16 इंच × 16 इंच। और इसका डिटेल हम दोनों का डिटेल लिखी हुआ दिखा दे रहे हैं आपको। रेड्यूसर का डिटेल 3 नंबर में रहेगा और ये टी का डिटेल जो रहेगा 2 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में जो लिखा हुआ है 16 × 16 इंच का यहाँ पे रहेगा टी, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 16 इंच × 10 इंच, 16 इंच × 10 इंच लिखा हुआ है, और इसका थिकनेस जो रहेगा 12.7 mm रहेगा, और दूसरे तरफ जो थिकनेस रहेगा वो 7.8 mm रहेगा, जो 10 इंच जो रहेगा उसका थोड़ा कम रहेगा, और जो 12 इंच का जिस तरफ रहेगा उसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ECCC, मतलब ये हो गया ईसेंट्रिक रेड्यूसर। कॉन्सेंट्रिक जो रहता है वहाँ पे सीधे लिख देता है कॉन्सेंट्रिक, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये सब लगा हुआ है दोनों। और इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है दोनों का, ये लकीर खींचा हुआ है जो 356 mm इसका डायमेंशन रहेगा रेड्यूसर का, दोनों का आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन खींचा हुआ है, और यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ है 356 mm लेंथ रहेगा दोनों का। और टी का जो लेंथ रहेगा जो 10 इंच जो निकला हुआ है उसका डायमेंशन 305 mm रहेगा, और बाकी दोनों का भी सेम 305 और 305 mm ही रहेगा। और यहाँ से पाइप का जो डायमेंशन रहेगा यहाँ पे देखिए माइनस करके लिखा हुआ है 709 mm का पाइप लगेगा, जिसमें एल्बो का जो सेंटर है 610 mm माइनस किया हुआ है, 610 mm माइनस किया गया है एल्बो सेंटर। दूसरे तरफ अगर आप ये 90 डिग्री का जो एल्बो है यहाँ पर जो आप देख एल्बो, ये 90 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है, और ये वाला जो एल्बो है वो 45 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 45 डिग्री का जो एल्बो है, एल्बो सेंटर आएगा 254 mm रहेगा, और दूसरे तरफ का डायमेंशन जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 254 mm, और ये जो 90 डिग्री का जो एल्बो है उसका डायमेंशन है 610, और दूसरा डायमेंशन यहाँ पे लिख दिया है 610 mm। और ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो एल्बो का दोनों जहाँ पे सेंटर आके मिलता है एल्बो का एकदम कॉर्नर पे, तो उसका जो है एलिवेशन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ का हाइट जो है इतना रहेगा आपको 106.392, मान के चलिए कि जीरो एलिवेशन से 6 मीटर के करीबन में ये हाइट रहेगा यहाँ तक। इसका मैं डायरेक्शन का मैं बाद में बताऊंगा, रोलिंग वगैरह यहाँ पर है तो रोलिंग कैसे देखेंगे। और यहाँ से हम अगर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे सब डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ये लाइन के साइड में जो दिया हुआ है, तो ये इंसुलेशन के बारे में दिया हुआ है कि इस पाइप के ऊपर इंसुलेशन रहेगा, और इसके अंदर हो सकता है कि 1/2 इंच का एक स्टीम लाइन जो आता है वो भी डाला जा सकता है पाइप को हीट रखने के लिए। तो इसके अंदर आता है तो वो सब साइड में जो इंजीनियर है वो लोग बता सकते हैं कि हाँ इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो सभी लाइन में नहीं आता है, किसी किसी लाइन में आता है। उसके बाद यहाँ पे दो जगह यहाँ पे पाइप सपोर्ट दे रहा है, और वो जो पाइप सपोर्ट है टी ब्रांच के जैसा सेम रहेगा, टी टूनियन उसको आप बोल सकते हैं, टी टाइप टूनियन यहाँ पे वेल्डिंग रहेगा। उसके बाद 3-4 तरीका का उसमें सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट का सब यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, दोनों सेम ही है यहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ के यहाँ पे 2 सपोर्ट आएगा टूनियन सपोर्ट, और जिसमें
यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये जो ऐसे करके गोल गोल यहाँ पे कटिंग किया गया है, तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये रिवीजन है। यहाँ पर मतलब पहले कुछ और लिखा हुआ था, तो ऐसे कटिंग करके फिर इसको चेंज किया गया है। और ये सब जो लिख रहा है S3, ये सब है वेल्डिंग नंबर दे रहा है, सपोर्ट का जो वेल्डिंग रहेगा उसका भी नंबर दे दिया है। और ये जो पाइप रहेगा यहाँ से ले करके और ये जॉइंट तक का जो डायमेंशन रहेगा, वो 5 मीटर 813 mm का लेंथ का पाइप रहना चाहिए। अगर ये एल्बो सेंटर से और ये 45 डिग्री का जो एल्बो है वहाँ का सेंटर तक पाइप का जो डायमेंशन है 6 मीटर 677 mm, यानी कि 6677 mm का रहना चाहिए मिलीमीटर। वो भी यहाँ पे यही दे रहा है, 5813 mm का ये लेंथ रहेगा पाइप का, ये जॉइंट से और ये जॉइंट तक। तो इतना लेंथ का आपको पाइप कटिंग करना है। और पाइप का साइज जो है वो 16 इंच का रहेगा। यहाँ पे जितना भी आ रहा है, यहाँ पे देखिए 16 NS लिखा हुआ, मतलब नॉमिनल साइज 16 रहेगा। ये टोटल 16 इंच का यहाँ तक आ रहा है। और यहाँ पे फिर ये 90 डिग्री का एल्बो लग रहा है उसका, यहाँ पे देख सकते हैं कि 610 mm और 610 mm दिया हुआ है डायमेंशन एल्बो सेंटर। और ये सब जो वेल्डिंग है बट वेल्ड है। और यहाँ पे एक जो दे रहा है ये टैग नंबर है, एक एल्युमिनियम के पट्टी के ऊपर ये सब आपको पूरा टैग लिखना होगा और उसको वायर के जरिए इसमें बांध देना होगा दोनों में। और ये वाला जॉइंट जो देख रहे हैं 20 नंबर जो लिखा हुआ है, जॉइंट नंबर 20 से ले करके और यहाँ जितना भी लगा हुआ है सब एक ही स्पूल में रहेगा और उसके ऊपर ये टैग रहेगा, मतलब ये स्पूल नंबर 5 रहेगा। और यहाँ इस जॉइंट से ले करके और ये पूरा यहाँ तक एक अलग स्पूल रहेगा जिसका स्पूल नंबर 10 रहेगा। और इसमें फिर यहाँ पर भी एक एल्बो लगा करके यहाँ पर डाउन हो रहा है और ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो इसका अगर हम डायरेक्शन देखना चाहें तो ये जो कॉर्नर है ये नॉर्थ है और ये कॉर्नर साउथ हो गया और ये कॉर्नर जो है वेस्ट और ये कॉर्नर जो है ईस्ट रहेगा। तो हम इधर से अगर स्टार्ट करते हैं लाइन को, तो यहाँ से देखिए डाउन से ये अप में जा रहा है, अप में जाने के बाद फिर ये ईस्ट की तरफ गया और ईस्ट से फिर ये साउथ में गया और साउथ से फिर ये ईस्ट में रोलिंग हो रहा है। यहाँ पर 45 डिग्री का जो एल्बो है साउथ से ये ईस्ट में रोलिंग है और फिर यहाँ पे ये डाउन हो गया। डाउन होने के बाद यहाँ पर टी लग रहा है और टी के बाद जो दो रिड्यूसर लग रहा है दोनों तरफ, दोनों का जो डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन जो रहेगा वेस्ट की तरफ और एक का डायरेक्शन जो रहेगा ईस्ट की तरफ, वेस्ट और ईस्ट। तो मैं एक टेम्पलेट मोड़ के दिखा दे रहा हूँ आपको किस तरीके से इसका टेम्पलेट रहेगा। तो फ्रेंड मैं आपको इस वायर का टेम्पलेट बैंड करके दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे आप ये ड्राइंग में जो देख रहे थे, इसका जो नॉर्थ जो है इस कोने पे दिखा रहा था, तो हम अपने सामने नॉर्थ मानेंगे और हमारे साइड साउथ हो जाएगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट और राइट साइड में ईस्ट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वायर का सबसे पहले जहाँ पे इस ड्राइंग में जो देख रहे हैं रेड्यूसर जो लगा हुआ है यहीं से हम बेंड करना शुरू करेंगे। तो रेड्यूसर और टी यहाँ पर एक बना लेंगे इस तरीक़े से, इसको क्या करेंगे ऐसे बेंड कर देंगे पूरा इस तरीक़े से। ये टी भी बन गया और इसमें समझिए कि ये रिड्यूसर भी लग गया। इसका डायरेक्शन दे रहा है कि ये जो है ईस्ट की तरफ लग गया और ये जो है वेस्ट की तरफ हो गया। जैसे आप ये ड्राइंग में देख रहे हैं एक वेस्ट में है रिड्यूसर और एक ईस्ट में है। तो और यहाँ पे टी लग गया और टी का जो डायरेक्शन है अप के तरफ है, तो ये अप हो गया। और अप होने के बाद यहाँ पे एक 90 डिग्री का एल्बो लग रहा है। तो इसका डायरेक्शन जो दे रहा है वेस्ट के तरफ दे रहा है और वेस्ट से फिर ये रोलिंग हो रहा है। तो रोलिंग जो दे रहा है वेस्ट से नॉर्थ में दे रहा है। जैसे आप ये ड्राइंग में देख रहे हैं इसमें जो 45 डिग्री का यहाँ पे जो एल्बो लगा हुआ है, तो उसका डायरेक्शन जो है वेस्ट से नॉर्थ में है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, ये वेस्ट से नॉर्थ में रोल कर देंगे। जैसे ये जो है वेस्ट से नॉर्थ में रोलिंग हो रहा है, तो ये जो है पूरा वेस्ट ईस्ट में ही रहेगा और ये जो है रोलिंग में हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये 45 डिग्री का यहाँ पे एक एल्बो लग जाएगा जो चला जाएगा सीधा नॉर्थ की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का डाउन हो गया। अगर इधर से हम अगर रोलिंग देखेंगे तो ये साउथ से ईस्ट में रोलिंग दिखा रहा है, साउथ से ईस्ट। और इधर से रोलिंग देखेंगे तो वेस्ट से नॉर्थ में रोलिंग हो गया। फिर इसमें आगे जा कर ये लाइन नॉर्थ में जा कर फिर ये वेस्ट में बेंड हो रहा है ऐसे, जैसे आप ये ड्राइंग में देख रहे हैं नॉर्थ में गया और नॉर्थ में जाके वेस्ट में, नॉर्थ में गया और नॉर्थ में जाके वेस्ट में
बेंड हुआ, और उसके बाद फिर ये ड्राइंग में जो दे रहा है वेस्ट में जाकर फिर ये डाउन हो रहा है। तो इस तरीका से ये टेम्पलेट दिखा रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे रोलिंग वाला हो गया, अगर इधर से लेंगे तो ये डाउन से अप हुआ, अप होने के बाद फिर ये ईस्ट गया, और ईस्ट होने के बाद ये साउथ आया, और साउथ से ये ईस्ट में रोलिंग हो गया, फिर यहाँ पे डाउन हुआ, और टी का जो डायरेक्शन है एक हो गया ईस्ट के तरफ और ये वाला हो गया वेस्ट के तरफ। इसी तरीके से इसका टेम्पलेट दिखा रहा है ये ड्राइंग में, और ये डायरेक्शन देख सकते हैं आप ये ड्राइंग में किस तरीके से है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, इस तरीके से लाइक बटन नीचे उसे आप दबा कर हमको बताइए, और इस तरीके से एक रेड बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।